आज ही दिन सन 1912 में मशहूर अभिनेत्री और नृत्य निर्देशक जोहरा सेगल का जन्म हुआ था। बॉलीवुड में लाडली के नाम से चर्चित जोहरा ने हम दिल दे चुके सनम, दिल से और चीनी कम जैसी चर्चित फिल्मों में अभिनय किया था। वर्ष 2010 में जोहरा सेगल को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। आज ही दिन सन 1940 में नाजियों ने पोलैंड के ऑशविट्ज़ यातना शिविर का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का आदेश वरिष्ठ नाजी अफसर हाइनरिच हिमलर ने दिया था। इस यातना शिविर में करीब 11 लाख बंदियों को मारा गया था। सन 1961 में आज एक दिन 150 वर्ष तक ब्रिटेन के अधीन रहा पश्चिम अफ्रीकी देश सियरा लियोन आजाद हुआ था और इस खुशी के मौके पर आधी रात को उस देश का हरी सफेद और नीली पट्टियों वाला झंडा फहराया गया था। आज एक दिन सन 1984 में लंदन के सेंट जेम्स स्क्वायर पर स्थित लीबियाई दूतावास पर 11 दिन तक चले कब्जे का अंत हुआ था। इस कब्जे की शुरुआत एक महिला पुलिसकर्मी इवान फ्लेचर की हत्या के साथ शुरू हुई थी, जिसे दूतावास के बाहर गोली मार दी गई थी। आज एक दिन सन 1945 में जर्मनी में एल्बे नदी के किनारे सोवियत और अमेरिकी सैनिकों की पहली बार मुलाकात हुई। हिटलर की सेनाओं के खिलाफ सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका मोर्चा बांधे हुए थे और इन दोनों सेनाओं की मुलाकात से हिटलर की सेनाएं दो हिस्सों में बंट गई थी।